कटिहार में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। घटना नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर मोहल्ला की है। बच्चे के परिजनों ने बताया कि वो बीमार चल रहे 4 साल के बच्चे को लेकर कुर्सेला के देवीपुर से चिकित्सक डॉक्टर सुधीर के पास आए थे, लेकिन अन्य डॉक्टर के दलाल रिक्शा वाला द्वारा मरीजों के परिजनों को झांसा देते हुए विनोदपुर स्थित डॉक्टर जयप्रकाश के पास ले जा गया, जिसके बाद वहां डॉक्टर द्वारा बच्चे को इंजेक्शन देते ही बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मासूम के परिजन और शहर के लोग भी आक्रोशित हो गए और डॉक्टर के क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ करने लगे। जैसे रिक्शा स्टैंड रुका ना तो रिक्शा वाला बोला कि हमको सुधीर डॉक्टर के यहाँ लेके चलिए, सुधीर भैया के यहाँ। तो बोला कि नहीं साहब, वो 15 दिन से बंद है, चलिए हम फलना डॉक्टर है, ये बहुत पुराना डॉक्टर भी है, चलिए उसके यहाँ। यहाँ ले आने के बाद हम डॉक्टर इसको बोलबो किया कि मतलब भैया अगर सही है तो बोलिए, अगर नहीं बोला नहीं बच्चे के लिए एकदम ग्रेट है डॉक्टर, बच्चे के लिए सही है, आप जांच करवाइए यहाँ। बोला नहीं भी होगा हम तो बोले हम दूसरा दिन लेके चले जाता हूँ बच्चा अपना बच्चा है। बोला ठीक है यहाँ से नहीं होगा भर्ती हम रेफर कर दूँगा सब प्राइवेट में, हम प्राइवेट में भर्ती कर दिया। सुई दिया, जाँच करवाने के बाद खून जाँच लेकर रिपोर्ट आया, उसके 2 मिनट पहले सुई दिया, उसके बाद गोद में लेके बैठे रह गया, जगह पर खा लेगा बस उसी जगह पर गोर हाथ जोड़ दिया भैया, 5 मिनट भी नहीं सुई देने के बाद 5 मिनट नहीं रहा मेरा बच्चा। उसके बाद कंप्यूटर भी बोलता है क्या मतलब जाओ सदर हॉस्पिटल जाओ, बोला चलो तुम भी साथ में, बोला हमको नहीं जाना भैया तुम लोग जाओ। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आवाज अली नाम का 4 वर्षीय लड़का बीमार है, उनके पिता दिखाने आए थे कुर्सेला में, जैसा उसका आरोप है कि कोई रिक्शा वाला से जो है डॉक्टर सुधीर के दिखाना था, रिक्शा वाला उनको लेके चले गए दूसरे डॉक्टर के यहाँ, वहाँ दिखाए, जाँच हुआ, जाँच से पहले ही कोई सुई दे दी, जैसा उनका आरोप है सुई दी थी और सुई देने के बाद तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। उस पर परिजन लोग काफ़ी आक्रोशित हुए, साथ में अन्य असामाजिक तत्व भी लगता है साथ दे दिए, दुकान में तोड़ फोड़ किया, रोड जाम भी कर दिया। सूचना मिली, पुलिस गई, समझाया बुझाया, जाम हटा कर चले, जो उचित प्राथमिकी होती है रोड वगैरह जाम की बात है उस पर भी यदि आ रहा तो सीरियस। लोगों की माने तो कटिहार में दवा माफिया और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से काला कारोबार चल रहा है। इस तरह की घटना पहले भी कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन जिला स्वास्थ्य महकमा इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।